आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। हमें अपनी एप्लीकेशन वहां तक एयरलाइंस तक कैसे हमें पहुंचानी है, हमें कैबिन क्रू बनना है बट हमें ये नहीं पता कि हमें कैसे अप्लाई करना है। कैबिन क्रू के लिए दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। वैसे आप लोग ना मेल वाले झंझट में ना ही पड़ो तो अच्छा है। सो डोमेस्टिक एयरलाइंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। BMI रेंज होगा ना वो भी 18-22 के बीच में होना। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एंड आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी दैट हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू आफ्टर 12th। काफ़ी गर्ल्स को नहीं पता कि 12th के बाद हमें कैसे कैबिन क्रू बनना है, हमें क्या क्या करना है और कंपनी की कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, हमें क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कुछ भी नहीं पता। बस ये पता है कि हमें कैबिन क्रू बनना है आफ्टर 12th। सो गाइज आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी। इस वीडियो को बस एंड तक देखना, स्किप मत करना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना अगर आपको भी बनना है कैबिन क्रू आफ्टर 12th। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि 12th में हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। कैबिन क्रू बनने के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम है जो हम ले सकते हैं? सो गाइज नो, ऐसा कोई भी आपको स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं चूज़ करनी है 12th में। आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, ठीक है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी एंड साइंस कुछ भी ले सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो, कैबिन क्रू बन सकते हो कोई भी स्ट्रीम से। तो जो सेकंड कन्फ्यूजन होती है आफ्टर 12th वो होता है कि हमें परसेंटेज कितनी चाहिए। सो मैं आपको बता दूँ, एयरलाइंस के अंदर परसेंटेज का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी 12th में जितनी भी परसेंटेज होगी आप कैबिन क्रू बन सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर द कैबिन क्रू, ठीक है। तो आप इजीली इंटरव्यू पे जा सकते हो, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एक सिर्फ एक ही एयरलाइन है स्पेसिफिक, विस्तारा एयरलाइन, जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट की है वो भी 60+, 60 होनी चाहिए और 60+ होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी एयरलाइन नहीं है जिनकी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। तो आप इजीली कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस अब बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट की। तो सबको ऐसे लगता है कि हमने 12th कर ली है तो हम एलिजिबल हो गए कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। यू शुड बी 18 और 18+, ठीक है। क्योंकि काफ़ी गर्ल्स ना ऐसी होती है जो 17 एज में अपनी 12th कंप्लीट कर लेती हैं बट वो तब भी एलिजिबल नहीं होती। अगर आप इंटरव्यू पे जाओगे 17 एज के अंदर तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे, पक्का करेंगे रिजेक्ट। यू शुड बी 18 और 18+, ठीक है। मैक्सिमम 18 और 18+ ही आपको वो लोग बोलेंगे कि आप एलिजिबल हो। अदरवाइज अगर आप 17 के हो एंड अगर आपने 12 कंप्लीट कर लिए तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपनी एज कंप्लीट करो एंड अपनी 12 कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप अप्लाई करना कैबिन क्रू के लिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैबिन क्रू बनने के लिए काफ़ी गर्ल्स को ये होता है कि हमें कैबिन क्रू बनना है बट हमें ये नहीं पता कि हमें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, हमें अपनी एप्लीकेशन वहाँ तक एयरलाइंस तक कैसे हमें पहुँचानी है कि उन एक हमें एक आइडिया हो जाए कि हाँ हम ऐसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमें वेन्यू, डेट कुछ नहीं पता, कैसे हमें करना है। सो मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में, क्योंकि कैबिन क्रू के लिए दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट होता है वॉकिंग एंड सेकेंड होता है मेल के थ्रू। तो मैं आपको बताती हूँ दोनों में डिफरेंस एंड दोनों को कैसे करना है। तो गाइस जो वॉकिंग इंटरव्यूज़ होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि आपको किसी भी वेबसाइट पे, उनके करियर पेज पे जाके, कोई भी वेबसाइट से, किसी भी थ्रू लिंक से पता चल जाएगा, किसी भी फ्रेंड के थ्रू पता चल जाता है, कोई भी वेन्यू, डेट स्पेसिफिक कोई डेट एंड वेन्यू होती है वो पता चल जाती है आपको। तो आप वहाँ पर जाते हो इंटरव्यू देने, जस्ट नॉर्मली आपको जस्ट CV जारी करना है एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आपको जो वो कैरी करना है। आपके पास कोई मेल का झंझट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हमें किसी के थ्रू बात करके हमें वहाँ जाना है इंटरव्यू देने, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट नॉर्मली बस पता होना चाहिए कि उस दिन उस डेट पे इंटरव्यू है और इतने बजे टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइम, आपको बस वहाँ जाना है, ऐसे आप इंटरव्यू जा सकते हो फॉर द वॉकिंग। तो अब बात करते हैं मेल के थ्रू कैसे हमें जाना है वहाँ पर। सो मेल के थ्रू आपको ऐसे जाना है कि आपको पहले उनकी किसी भी करियर वेबसाइट पर जाके या फिर कहीं से भी आपको कुछ पता चलता है कि वहाँ वैकेंसी है, और अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है कि आपको पहले अप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको एक इन्विटेशन आता है मेल पर ही आपके, देन आप एलिजिबल हो वहाँ जाने के लिए। वॉकिंग वो नहीं होता है, ठीक है, आपको मेल के थ्रू जाना पड़ता है। आपको थोड़ा इसमें वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ते हैं कि उनकी तरफ से कोई मेल आएगा तो आप जाओगे। वैसे आप लोग ना मेल वाले झंझट में ना ही पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि आप आफ्टर 12th ना काफ़ी गर्ल्स फ्रेशर्स होती हैं, उनको नहीं पता होता है कि इतना कि कहाँ पर हमें अप्लाई करना है, कहाँ से मेल आएगा, कुछ भी हो सकता है। मेल अगर आपके पास आ भी जाता है तो भी आपको इतना आइडिया नहीं होता कि हमें ऐसा मेल आया, हमें वेन्यू मिल गया, हमें टाइमिंग मिल गई तो हमें जाना है, ऐसे आप वॉकिंग जा सकते हो। इंडिगो एयरलाइंस आपको पता होगा, एयर इंडिया पता होगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, स्पाइस जेट, ये सारी एयरलाइंस की वॉकिंग इंटरव्यू होते हैं। इनमें कोई आपको इन्विटेशन कार्ड, इन्विटेशन की नीड नहीं है, एप्लीकेशन की नीड नहीं है,
ठीक है, सब कुछ तो डन हो गया, हमने 12th का देख लिया, हमने परसेंटेज का देख लिया, हमने एज रिक्वायरमेंट देख ली, अब हमें कुछ एलिजिबिलिटी बता दो कंपनी की, कि कंपनी की एलिजिबिलिटी क्या है, एक कैंडिडेट से वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और अपने एक कैंडिडेट से फ्यूचर कैबिन क्रू से वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू पे। सो डोमेस्टिक एयरलाइंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ पूरी। तो जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट है आपकी एज, 18 आप होने चाहिए, यू शुड बी 18 और 18 प्लस, एंड सेकेंड आपकी 10+2 कम्प्लीट होनी चाहिए, लाइक 10th और 12th, ठीक है, एंड देन आपकी हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर एटलीस्ट होनी चाहिए, मतलब 155 से नीचे होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो, 155 से अबव ही होनी चाहिए आपकी हाइट टू फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि अभी आप अप्लाई कर दोगे आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, एंड वो फॉर्म आप इंटरव्यू पे दिखा सकते हो कि हमारे पास अभी हमने अप्लाई कर दिया है उसके लिए पासपोर्ट के लिए, तो हम आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा। एंड ऑल्सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए बोथ लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी। और गाइज, आपके विजिबल पार्ट पे कोई भी टैटू मार्क बर्न मार्क कुछ भी नहीं होना चाहिए आपको, अगर एक्ने प्रॉब्लम है वो भी नहीं होना चाहिए, एक्ने भी वो लोग नहीं मतलब लेते हैं, एक्ने वालों को भी, अगर आपके पास आपके एक्ने हैं तो भी आपको नहीं लेंगे, आपके पिगमेंटेशन है वो भी नहीं लेंगे, अगर आपका कोई कट मार्क है, कोई बर्न मार्क है विजिबल पार्ट पे, लाइक आपके नेक पे, फेस पे एंड बोथ हैंड्स पे, और जिसमें लाइक स्कर्ट है तो उसमें आपको आपके लेग्स भी वो चेक करेंगे। सो अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं आपको ऐसे डोमेस्टिक एयरलाइंस का बता रही हूँ कि कैसे क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपका BMI रेंज होगा ना, वो भी 18-22 के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा होगा कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो, वो लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करना पहले आप जब भी इंटरव्यू पे जाओ, सो आपका आपने BMI चेक करना हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, आपका BMI कितना है, 18-22 के बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर सकते। तो जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एयरलाइंस के इंटरव्यू डिक्लेयर हो गए हैं, वैकेंसीज आ गई हैं फॉर द कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं कैसे पता चलेगा, डेट, वेन्यू, लोकेशन एंड ऑल सब कुछ। गाइस, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं अपने चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन कैबिन क्रू से रिगार्डिंग सब अपलोड करती हूँ, वैकेंसीज एंड सब कुछ। अगर आपने मेरी रिसेंट इंडिगो वाली वैकेंसी वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी लिंक पे जाओ, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया, आप वो देख लो, मार्च मंथ की जितनी भी इंटरव्यू डेट्स हैं, लोकेशन एंड उसमें अप्लाई कैसे करना है आपको, मैंने वो सब उसमें मेंशन करा है, एंड जो आने वाली वैकेंसीज होती है मैं सब वो भी इसमें अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, सो आप देख सकते हो। एंड मैं एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपको किसी भी एयरलाइंस की वैकेंसीज देखनी है जॉब से रिलेटेड, तो आपको उस एयरलाइन का नाम सर्च करना है क्रोम ब्राउज़र पे, और उसके जस्ट बाद में लिखना है करियर, ठीक है, लाइक इंडिगो की वैकेंसी चेक करनी है तो इंडिगो करियर लिखना है, ठीक है, स्पाइस जेट की करनी है तो spicejetcareer.com, एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस की करनी है तो ऐसे airindiaexpresscareer.com आप टाइप कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र पे। सो आपको वो एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें सारी वैकेंसीज वगैरह सब उसमें हैं, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी कितने सारे पेजेस हैं ऐसे, उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, फॉर द वैकेंसीज। एंड यानी सबसे पहले आप एक अच्छा CV बनाओ, अपना प्रोफेशनल CV, ऐसा नहीं कि आप विदाउट पिक्चर बना रहे हो CV, नहीं, पिक्चर के साथ अपना CV बनाओ अच्छा सा। अगर आपको मेरी CV वाली वीडियो भी देखनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, मैंने एक स्पेसिफिक अलग से CV के ऊपर भी वीडियो बनाई है कि कैसे आपको CV अपना बनाना है, एंड किस ऐप से, मैं भी CV बनाती हूँ तो आप भी उस ऐप से CV बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं किसी कैफ़े में जाना नहीं है, आपको कहीं पर किसी को पैसे देने की कोई नीड नहीं है, आप खुद से अपना CV बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा ऐप। एंड गाइस, CV के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक पासपोर्ट हो गया, ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया हमारा, एंड 12th 10th की मार्कशीट हो गई, और आपका रिज्यूम है, इन सब की फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखो, ठीक है, फ़ोटोकॉपी करके रखो, उसको अपने फोल्डर में रखो फोटोकॉपी करके, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड गाइस, डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको अपना एक प्रोफेशनल एकदम फॉर्मल आपको अटायर में पिक्चर क्लिक करवानी है, ठीक है, मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी एंड फुल लेंथ फ़ोटो भी, एंड आप अपने पास रखो उसको, क्योंकि कभी भी इंटरव्यू पर जाओगे CV के साथ आपको अटैच करने के लिए बोलेंगे वो लोग कि आपको CV के साथ अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अटैच करना है, तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर जाओ
तो फिर आपको वो लोग बोल दें कि आपका पिक्चर नहीं है, तो आप अब देर लगेगी आपको, या फिर आपको हम नेक्स्ट उसमें भेजेंगे रो में। तो इससे अच्छा है कि आप अपना पहले ही एक फॉर्मल अटायर में पिक्चर क्लिक करवा लो, पासपोर्ट साइज और फुल लेंथ पिक्चर वो मैंडेटरी है इसलिए। एंड गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि आफ्टर 12th आपको कोई कैबिन क्रू बनने के लिए कोई एकेडमी या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की नीड है, इट इज़ कंपलसरी और नॉट? सो गाइज, द आंसर इज नो, आपको कोई भी नीड नहीं है कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई एकेडमी ज्वाइन करने की कैबिन क्रू बनने के लिए, क्योंकि उनके ऑलरेडी इतने हाई पेड कोर्स होते हैं उनके, जो एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, लाइक 2-3 लाख, और वो लोग भी आपको वही चीज़ सिखाते हैं जो आप खुद से भी घर में बैठ के उस चीज़ पे वर्क कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, एंड आप अपनी लाइक कोई भी विजिबल टैटू हो आपकी स्किन पे तो आप उसको हील कर सकते हो, एंड अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। तो सब कुछ आप खुद से कर सकते हो, कोई आपको नीड नहीं कि आप इतने पैसे दे के वहाँ पर जाके वो चीज़ सीखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करो, ठीक है, सब कुछ आप खुद कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इंटरव्यू, कैबिन क्रू इंटरव्यू के रिगार्डिंग सारी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ एंड आगे भी करती रहूँगी।